वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम निपटा बेटा डिफरेंशियल रेट ला और डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और डिफरेंशियल रेट ला एक्सप्रेशन फॉर वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लाइक जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर एक्सेट्रो। और ये भी पढ़ा बेटा कि दी कंसंट्रेशन किसी भी एक रिएक्शन की डबल करते हैं या ट्रिपल करते हैं या हाफ करते हैं तो रिएक्शन की जो नई रेट बनेगी उस पर क्या इफेक्ट होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बल्कि हर एक टॉपिक ही इम्पोर्टेंट होता है। आज का हमारा टॉपिक है बेटा इंटीग्रेटेड रेट ला या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन या इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा। अपने सिलेबस में इंटीग्रेटेड रेट ला एक जीरो के लिए है और एक है बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सही बात, वो प्लस टू क्लास की है, किसी भी बोर्ड की है या कम्पिटिटिव एग्जाम की है, आईआईटी, नीट एक्सेट्रो बेटा। तो जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर का हमने इंटीग्रेटेड रेट ला पढ़ना है बेटा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा डिफरेंशियल रेट ला, लेकिन उसमें कई बार क्योंकि एक टेंजेंट ड्रा करते हैं बेटे टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में तो कई बार वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला, इसलिए उस चीज कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए बेटा साइंटिस्ट लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट ला की डिस्कवरी की बेटा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आता है राइट इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या डिराइव बेटा इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हरियाणा बोर्ड में तो ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड में इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादा आने की संभावना है, डेरिवेशन बहुत ही कम आए हैं बेटा। मैंने तो कभी सीबीएसई बोर्ड में डेरिवेशन देखा नहीं है बेटा। बाकी ये नहीं है कि भी आज तक नहीं देखा है तो आगे नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा तो फार्मूला तो हमें याद रहना ना सही बेटा। फार्मूला कभी याद रहेगा जब हमें डेरिवेशन आता है बेटा। तो सबसे पहले तो बेटे दोबारा फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। इट इज सम, सबसे पहले बेटा एक बार आपको समझाने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ बेटा। इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स एक हो चाहे ज्यादा हो बेटा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन रेट ला एक्सप्रेशन, रेट ला एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, तो वह कहलाता है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यदि मान लो हमने डिफाइन करना करे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इट इज जीरो ऑफ, सम की जगह जीरो आ जाएगा बेटा। इट इज जीरो ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट ला एक्सप्रेशन इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर हो तो इट इज ए फर्स्ट ऑफ पावर ऑफ, सेकेंड ऑफ पावर ऑफ, थर्ड ऑफ पावर ऑफ, फोर्थ ऑफ पावर ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ पावर ऑफ। और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जीरो ऑर्डर को, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन
इज प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल है किसके बेटे, जीरो ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट बेटा। दिस इज एक ही बात है बेटे, किसी तरह से भी डिफाइन कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब हम बात बेटे डेरिवेशन की कर रहे हैं बेटा। तो कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, या कंसीडर ए इमेजिनरी रिएक्शन, या कंसीडर ए आर्बिट्री, ARBITRARY, आर्बिट्री जो मान के चलते हैं बेटे। तो आर रिएक्टेंट है बेटा और पी है प्रोडक्ट बेटा। तो रेट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस डी आर अपॉन डी टी। पहले प्रोपोर्शनल कर दो बेटे, आर की पावर जीरो बेटा, अच्छा है बेटा। उसके बाद बेटा रेट बराबर है, अब सीधा बेटे डिफरेंस ही लिख दो, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट आ जाएगा बेटा, आर की पावर जीरो बेटा। अब हमें पता है बेटा एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर जीरो इज यूनिटी। तो ध्यान रहे बेटा, एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर, जिसकी पावर जीरो है बेटा, कोई क्वांटिटी है रेज टू पावर जीरो इज यूनिटी। इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, आर की पावर जीरो है वो एक के बराबर हो जाएगी बेटा। तो माइनस डी आर, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही अच्छी डेरिवेशन है ये, अपॉन डी टी इज इक्वल टू के बेटा और इन टू वन, और बेटा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के बेटा। दिस इज, अब थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, डी टी को वहाँ ले जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो ध्यान से देखो बेटा, माइनस डी आर को यही रहने दो बेटा, के वहाँ है ही और डी टी यहाँ आ जाएगा न्यूमिनेटर में बेटा। अब इसको यहाँ लेके और इसको वहाँ ले जाओ, तो माइनस डी आर उधर जाके डी आर हो जाएगा बेटा, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, और के डी टी इधर आके माइनस के डी टी हो जाएगा बेटा। तो इसको आप इक्वेशन एक का नाम दे सकते हो बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेटेड इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड भी है वो, इसको इंटीग्रेशन करो बेटा। डी आर का यानी डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है बेटा, तो डी आर का तो आर हो जाएगा, कि आपका कांस्टेंट है, डी टी का टी हो जाएगा, और पहले सी लिखते थे बेटा, अब लिखते हैं बेटे आई। तो वेर आई क्या है, जहां आई है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आई है बेटे कैपिटल आई, पहले कैपिटल सी लिखते थे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा, ये या इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहो। तो ध्यान रहे बेटे, वहन बेटा जब टी है वो जीरो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर बेटा वो हो जाएगी आर नोट के बराबर। वेयर बेटा आर नोट क्या है ये भी बताना जरूरी है बेटा। वेयर आर नोट है
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन टाइम टी जीरो होता है बेटा, यानी जब टी जीरो होगा तो आर आर है वो आर नोट के बराबर, कहने का मतलब ये है बेटा कि व्हेन बेटा टी बराबर है जीरो देन बेटा आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर है बेटा आर नोट, ये है ना कई बार बुक में आर नोट अंदर दे रखा है, गलती से बेटे बाहर आएगा बेटे, यहाँ अंदर नहीं आएगा कभी भी बेटा, कई जगह अपनी बुक में एनसीईआरटी में भी बेटे गलती से ऐसे दे रखा है बेटा, ये रोंग है बेटा, ये रोंग है ऐसे, ये राइट है बेटा। तो ये वैल्यू पुट करो इक्वेशन टू में बेटा, ये इक्वेशन टू मान लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए टी एन आर इन इक्वेशन टू भी है, ध्यान से देखना भाई। अब क्या करेंगे बेटा, अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, आर की जगह तो बेटे आर नोट, और भाई के की जगह के बेटा, और टी की जगह जीरो बेटा, और आई, ये जीरो हो जाएगा तो आर नोट बराबर आई हो जाएगा बेटा। तो वैसे कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा नहीं बेटा कि डिफाइन इंटीग्रेशन कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन टाइम टी बराबर है जीरो, तो ये बराबर है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन टाइम टी जीरो, ओके बेटा। अब ये वैल्यू फिर दोबारा इक्वेशन टू में पुट करेंगे बेटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन इक्वेशन टू वी है, आर तो आर रहेगा बेटे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटे फाइनल कंसंट्रेशन है ये, माइनस के टी वी रहेगा, और आई की जगह आ जाएगा बेटे आर नोट, के टी को यहाँ ले आओ बेटा, के टी यहाँ आ गया, आर नोट वही है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और बेटे आर उधर जाके माइनस का हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी बेटा। और ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन तीन का नाम दे दो, क्या दिक्कत है बेटा, दिक्कत तो कोई नहीं है। अब के किसके बराबर हो जाएगा, के को यही रहने दो, आर नोट माइनस आर बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन बेटा टी, ये इक्वेशन फोर हो गई, और टी किसके बराबर हो जाएगा, आर नोट माइनस आर बेटा अपॉन स्मॉल के रेट कांस्टेंट बेटा, ये इक्वेशन फिफ्थ हो गई बेटा। कोई भी इक्वेशन हम डिराइव करते हैं बेटा, तो जो क्वांटिटी यूज होती है उनको डिस्क्राइब करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है बेटा कि वेर के क्या है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, टी क्या है टाइम, आर नोट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर क्या है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी जीरो हो तो, ओके बेटा। अब इन इक्वेशन से क्या पता लगता है बेटा, ध्यान दो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ये पता लगता है बेटा जो टी है ना वो आर नोट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्योंकि माइनस आ गया बेटे आर, और टी आर के क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के तो क्या है बेटा आफ्टर टाइम टी इनवर्सली है बेटा, और टी और के क्या है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो जब ग्राफ की बात आएगी बेटा तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये तो हम टी ले लें बेटा, या तो कंसंट्रेशन ऑफ आर लिख दें, या आर लिख के बेटे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें बेटा, दिस इज। अब देखो बेटे टी और आर में क्या रिलेशन है बेटे, इनवर्सली है बेटा, लो बेटे, तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस के, स्लोप बराबर है माइनस के बेटा, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की बेटे आर नोट, जैसे लिखना चाहें तो बेटा यहाँ आर नोट बेटा, और यदि हम इसको बेटा ऐसे देखेंगे बेटा तो बिल्कुल नहीं घबराना बेटा, क्योंकि घबराते तो तभी हैं जब घबराने की कोई बात हो बेटा,
तो टी आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से अपन के लिखेंगे तो टी की जगह के लिख देंगे बेटा, वही रहेगी चीज़, के है वो आर नॉट के डायरेक्टली है और आर के क्या है इनवर्सली है बेटा। तो किसी तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं बेटा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं वो बेटे अनकॉमन होती हैं, रेयर होती हैं। कुछ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होती हैं और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो मेटल की सरफेस के ऊपर होती हैं बेटा। क्योंकि मेटल क्या करती है बेटा, गैसेज को सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर लेती है और इतनी एडजॉर्ब हो जाती है कि उसके बाद और गैस वहाँ रखेंगे तो वो गैस के लिए जगह ही नहीं रहेगी बेटे एक प्रकार से। तो इसका मतलब क्या हुआ, गैस जो रिएक्टेंट है गैस बेटे, उसकी कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन की रेट चेंज नहीं होगी बेटा। दिस इज, तो देखो बेटा अब हम देखते हैं बेटा कुछ एग्जांपल बेटा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेटा। डेरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डिराइव दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, और डिराइव इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ये ग्राफ किसके लिए है, ये किसके लिए है, ऐसे बेटा मतलब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए बेटा नो प्रॉब्लम बेटा। अब एग्जाम्पल की बात तो कर लें बेटा, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा। टू अचाई है, गोल्ड है बेटा, कैटलिस्ट H2+I2 बेटा। तो ये एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बेटा। रेट देखें बेटा तो रेट बराबर हो जाएगा के बेटा HI0 बेटा, तो ऑर्डर जीरो बेटा। इसी तरह से बेटा अमोनिया है बेटा, अमोनिया का हम डिकम्पोजिशन करते हैं बेटा, अपनी बुक में प्लेटिनम दे रखा है, टंगस्टन भी हो सकता है, मोलिब्डेनम भी हो सकता है बेटा, N2+3H2। इसी तरह से बेटे तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।